friends, welcome to KDM classes. As you know that this channel is completely for agriculture students. So in this series, today we will start botany subject. You know that botany plays an important role in your exams like JET, ICAR, VHU. So today I start one of the most important topic, morphology of flowering plants. So let's start and give your attention please. Firstly, we should know to that what is morphology. सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि morphology क्या होता है. तो then we can say that morphology is the word that consists two words, morphos and logos. And morphology is a Greek word. That is Greek word and it consists two words, morphos and logos. Actually, logos word is the root word for logy. This word is logy and its root word is logos. Then morphos means form and structure, आकार और संरचना. Morphos का मतलब होता है आकार और संरचना. And logos is word that means to study. Logos इसका मतलब होता है अध्ययन करना, to study. It means we can say that morphology is the study of form and structure of flowering plants. Morphology बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी फ्लावरिंग प्लांट्स की फॉर्म और स्ट्रक्चर, आकार और संरचना का अध्ययन करते हैं. अब सबसे पहले हमें ये जरूरत होगी कि मॉर्फोलॉजी को हमने पढ़ना क्यों है, क्या जरूरत है हमें मॉर्फोलॉजी को पढ़ने की. तो डेट इज फॉर विजुअल आइडेंटिफिकेशन. विजुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए मॉर्फोलॉजी की जरूरत हुई. विजुअल आइडेंटिफिकेशन से क्या मतलब है, जैसे कोई भी चीज है हम उसके बारे में सबसे पहले ये देखते हैं कि उसका विजुअल अपीयरेंस कैसा है, वो दिखने में कैसी है. तो जब हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि वो दिखने में कैसा है. क्योंकि जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं हम प्लांट्स को देख करके ये बता देते हैं कि ये नीम का प्लांट है या ये तुलसी का प्लांट है, तो वो कैसे, क्योंकि हम उनका विजुअल आइडेंटिफिकेशन को समझते हैं. हमें पता है कि उसकी लीफ ऐसी होती है, वो एक हर्ब है या ट्री है या श्रब है. तो इस तरीके से हम आगे जाके इन सबके बारे में स्टडी करेंगे और विजुअल अपीयरेंस को देखेंगे इस पूरे चैप्टर में प्लांट की. We are talking about plant morphology. For the study of plant morphology, it will divide into two parts. इसको two parts में divide कर दिया गया है plant morphology को. Then first is root system and that is shoot system. Root system is the underground part of a plant and shoot system is a aerial part of a plant. And shoot system consists leaf, flowers, fruits एंड स्टेम. प्लांट मॉर्फोलॉजी को अब हमने दो सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया है. एक तो मूल तंत्र है, रूट सिस्टम मूल तंत्र, और शूट सिस्टम तना जो है इसके बारे में, जिसके अंदर हम तना, पत्ती, फूल और फल के बारे में देखते हैं. अब हम इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम रूट सिस्टम, जिसमें रूट सिस्टम में रूट्स कई टाइप की होती है, जैसे टैप रूट होती है, एडवेंटिशियस रूट होती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. और इसी तरीके से हम कुछ बेसिक फीचर्स देखेंगे स्टेम के, लीव्स के, फ्लावर्स के एंड फ्रूट्स के. देन फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट रूट. रूट के बारे में, रूट मतलब मूल तंत्र जो होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे. रूट के कुछ हम एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे. फर्स्टली ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल. देन व्हाट इज रेडिकल, एक जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसमें टू पार्ट्स होते हैं, प्रिम्यूल और रेडिकल, जिसमें प्रिम्यूल से स्टेम डेवलप होता है और रेडिकल से रूट डेवलप होता है. और देन हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, आर फॉर रेडिकल एंड आर फॉर रूट. देन हमें सबसे पहले समझ में आया कि ये रूट डेवलप कहाँ से हुई, रेडिकल से. फिर है डिसेंडिंग एंड अंडरग्राउंड. डिसेंडिंग मीन्स ये इस तरीके से नीचे बढ़ती है डिसेंडिंग मैनर में, और अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, यह अंडरग्राउंड भूमि के अंदर का भाग होता है ये. और ये नॉन ग्रीन होता है क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट्स नहीं होते हैं,
इसलिए इसका कलर ग्रीन नहीं होता प्रूफ का। और ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक से मतलब धनात्मक गुरुत्वाकर्षी, गुरुत्वाकर्षी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में, तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मतलब प्रकाश के विपरीत दिशा में, फोटोसिंथेसिस की डायरेक्ट फोटोट्रॉपिक ये डायरेक्शन होती है, और जबकि रूट्स जो होती है वो डेवलप इस तरीके से होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉजिटिवली तो जियोट्रॉपिक है एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है। एंड इसका वर्क क्या होता है, काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है और प्लांट के अदर पार्ट्स में सेंड करती है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। देन अब हम डिस्कस करेंगे शूट सिस्टम के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं स्टेम के बारे में। स्टेम जिस तरीके से रूट जो होती है, ये जस्ट रूट के अपोजिट होता है। जैसे रूट जो है वो रेडिकल से डेवलप हुई थी एम्ब्रियो के लोअर पार्ट से, इसी तरीके से ये एम्ब्रियो के अपर पार्ट मतलब प्यूमोल से डेवलप होती है। और जिस तरह से रूट जो थी वो डिसेंडिंग मैनर में थी, ये असेंडिंग मैनर में है। और रूट जो होता है वो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, जबकि शूट जो होता है वो एरियल पार्ट होता है। और रूट जो है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक थी, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के अकॉर्डिंग थी, जबकि ये जो है ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर काम करता है और जबकि ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो इट मीन्स वी कैन से दैट नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक मतलब प्रकाश के अकॉर्डिंगली ये इसकी ग्रोथ होती है, तो इसलिए हम कहते हैं इसे पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। और ये सपोर्ट करता है और ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को जो कि रूट से प्लांट को मिलता है। और इस तरीके से और जो शूट सिस्टम है वो फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, लीव्स को, इनको बियर करता है। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में। लीफ जो है, इस लीफ जो है लीफ प्राइमोर्डिया से डेवलप होती है। यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं जिनको लीफ प्राइमोर्डिया होता है, जिससे लीफ डेवलप होती है। और ये हमेशा नॉर्थ से, प्लांट का ये पार्ट ये होते हैं नॉड्स, यहीं से ही लीफ डेवलप होती है। और दो नॉड्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरनॉड्स। और ये ग्रीन होती है, फ्लैट होती है, थिन होती है, मतलब हरी है। ग्रीन क्यों है, इसमें फोटोसिंथेसिस पिगमेंट पाया जाता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होती है, इसीलिए प्लांट्स अपना भोजन खुद बना पाते हैं। तो ये फ्लैट है, ग्रीन है, थिन है, और इसके इस पार्ट को ब्लेड या लैमिना बोलते हैं, और दैट इज पिटियोल, ये जो डंठल वाला पार्ट है दैट इज पिटियोल। ये हम लीफ के स्ट्रक्चर में आगे पढ़ेंगे ब्लेड या लेमिना एंड पिटियोल के बारे में। इस तरीके से हमने लीफ के बारे में देखा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रूट एंड फ्लावर्स के बारे में। जो फ्लावर होता है, फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट ही होता है। फ्लावर जो है वो मॉडिफाइड शूट है, ये ब्राइट कलर्ड और सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। और इसकी लाइफ स्पेन जो होती है वो बहुत कम होती है। इस तरीके से फ्लावर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इनके काफ़ी कुछ डीप में पढ़ना है अभी हमें फ्लावर्स के बारे में। और देन फ्रूट्स है, फ्रूट जो है वो एक एडिबल पार्ट है एज यू नो, एंड इसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। पेरिकार्प होता है, इसमें सीड कंसिस्ट होता है, सीड जो होता है वो रैपल्ड ओवरी है, और पेरिकार्प के भी एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, ये सब पार्ट्स होते हैं। तो जब हम फ्रूट के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तब देखते हैं इन सब चीज़ों को। इस तरीके से हमने इस पूरे प्लांट के बारे में पढ़ा, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के बारे में। फर्स्टली हमने देखा कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मॉर्फोस और प्लसलॉजी, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की स्टडी। देन हमने प्लांट मॉर्फोलॉजी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में हमने बताया कि लीफ होता है, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। और इस तरह से रूट सिस्टम के बारे में हमने बात की जो कि अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट का, और जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता इसलिए नॉन ग्रीन होता है। ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। जस्ट इसके अपोजिट हमने इसके एरियल पार्ट शूट सिस्टम के बारे में बात की, जो कि पॉजिटिवली
फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है. इट कंसिस्ट लीव फ्लावर्स फ्रूट्स एंड फ्लावर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अ प्लांट एंड मोस्ट अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट. एंड दैट एंड फ्रूट के बारे में बात की, फ्रूट जो होता है उसमें सीड्स कंसिस्ट होते हैं जो कि एक राइपंड होगी है. तो इस तरीके से हमने एक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इस चैप्टर का केवल एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट किया है. अब हम नेक्स्ट चैप्टर में शूट के बारे में सॉरी रूट सिस्टम के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे. रूट सिस्टम कितने टाइप का होता है और इसके अंदर इसका मॉडिफिकेशंस के द्वारा ये क्या क्या काम कर सकता है, ये फूड स्टोरेज के भी काम करता है. इस तरीके से हम कंप्लीटली रूट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.